हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, रेलवे में अपकमिंग वैकेंसीज के लिए हमने कल के दिन ट्विटर कैंपेन चलाया था 18 अप्रैल को, और उससे रिलेटेड ही मैं आज की इस वीडियो में बात करने आया हूँ कि वो कैंपेन कैसा रहा और आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो जैसे कि आपको पता है, कल पूरे दिन हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था। जितने भी स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, सभी ने मिल के उस कैंपेन में पार्टिसिपेट लिया था। चाहे वो रेलवे के स्टूडेंट हो, एसएससी के हों, या फिर टीचर ही हों एसएससी के, या फिर रेलवे, सभी ने पार्टिसिपेट लिया था उसमें, और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। अभी एसएससी सीजीएल एज रैंकिंग का जो इशू था उसमें, उससे भी रिलेटेड हमने कैंपेन चलाया था, लेकिन उससे कई गुना अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया। और लगभग 3.5 लाख के आसपास ट्वीट हुए थे, और ऑल ओवर इंडिया ट्विटर पे ये टॉप पे था। तो इससे इसका क्या मतलब है कि हमारी जो बात है, जितने भी अपर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो DOPT हो, रेलवे का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो, सभी तक हमारी बात पहुंच गई है, और इस पे वो जरूर ही कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। जैसे कि आपको पता है, जितना भी पेंडिंग था, वेटिंग लिस्ट था, वो सारा अब खत्म हो गया है। मतलब सारा प्रोसेस खत्म हो गया है। 2019 और 18 में जो वैकेंसीज आई हैं, उसका ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो गया है। आपको पता है, अभी रोजगार मेला में PM ने बहुत से, लगभग 71,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर दिया था। तो उसमें भी बहुत सारे रेलवे के स्टूडेंट थे, एसएससी के स्टूडेंट थे। तो अब लगभग सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया है और न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं। लगभग 1.5 लाख वैकेंसी आएंगी, जिसमें आपका ALP टेक्नीसियन की, RPF SI कॉन्स्टेबल की, RRB JEE 2023 की वैकेंसी रहेगी। सबसे ज़्यादा आपको ALP टेक्नीसियन की, RRB JEE की देखने को मिलेगी, कॉन्स्टेबल और SI का भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 साल से कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं। इसके अलावा ग्रुप डी की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। 5 साल हो गया, बहुत से एम्प्लॉय की जरूरत है, ठीक है। तो ये वैकेंसियां जल्दी देखने को मिलेगी, और जो हमारा रिस्पांस था बहुत अच्छा था। ऐसे ही सबको मिलके साथ में रहना चाहिए, कुछ भी दिक्कत हो तो सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी ये ट्विटर कैंपेन सक्सेस होता है। और आपने वही किया, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना आपने पार्टिसिपेट किया था या नहीं। और रेलवे में अब नई वैकेंसी जल्दी आने वाली है, लगभग 2 महीने के अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, क्योंकि सारी प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है। और आपको पता है, 2024 में चुनाव है, उससे पहले 8 से 9 स्टेट में अभी आपके CM के चुनाव हैं। तो रेलवे की वैकेंसी अब नहीं आएगी तो कब आएगी? क्योंकि आपको पता है, जब भी चुनाव होने वाला होता है, रेलवे की वैकेंसी जरूर आती है। तो आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, ठीक है, और अब आपको जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और जो प्रोसेस है बहुत तेजी होगा इस बार, ठीक है। चुनाव से पहले ये आपको ज्वाइनिंग भी दे देंगे, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए आपसे, तो आप तैयारी जरूर करना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, जितनी भी अपडेट आपको मिलने लगेगी। थैंक यू गाइस।